बीजेपी हाय हाय 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 बातें हैं अब क्या कर जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने आपको बात बता दी, लेकिन ये जो हमारा जो साडा कैंपेन है उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं उस कैंपेन के बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जो उस कैंपेन का हमारे 8 मुख्य पॉइंट है जो हमने डिसाइड किया, पहला मुद्दा है उसमें वो मांग पत्र है। साडा हक हमारा एक मांग पत्र है यूथ कांग्रेस का, उसमें पहला हमारा पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा उसका है कि जहाँ यहाँ पर जो जमीन और जो नौकरियां हैं उसमें स्थानीय नागरिकों का पहले अधिकार बनता है, उनको पहले यहाँ का अधिकार दिया जाए। तीसरा, जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। आपने देखे हैं कि LG ऑफिस का खुद का इस करप्शन में हाथ है, पेपर लीक हुए हैं तो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। तो चौथा पॉइंट ये है नशा मुक्त J&K, इस प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन नशे से हम दूर तभी होंगे जब यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटियाँ और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा स्पोर्ट्स का। और पांचवा, आपके यहाँ के जो रीजनल वाइज स्वास्थ्य और एजुकेशन और हेल्थ को लेकर जो इश्यूज है उसको लेकर भी भारतीय युवा कांग्रेस एक मांग करती है। काफ़ी हमारे इसमें इश्यू है, किसानों के लिए भी है कि जो KCC के लोन है उनको पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ी किया जाए और जो फल उत्पादक किसान हैं उनके जो नीति बनाई जाती है फसलों को लेकर MSP वगैरह लागू की जाए। तो आज दो मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने आपको बताया। देखिए, आज का जो प्रदर्शन युवा कांग्रेस कर रही है वो विशेष तौर पर दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है वो आतंकवाद का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड को लेकर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आतंकवाद जो है वो चरम पर है। पहले तो कश्मीर में हुआ करता था और इन दिनों में आप देखेंगे जहां पीसफुल इलाके थे जम्मू प्रोविंस के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद जो है बढ़ता जा रहा है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि LG को जो है इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार चुनी जाएगी उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। तो हम इस चीज को लेकर जो आज सड़कों पर उतरे हैं युवा कांग्रेस के जो साथी हैं वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो इलेक्शन से पहले बहाल होना चाहिए और ये जो MHA की जो नई डायरेक्शन आई है जिसमें LG को एम्पावर किया गया है इसे वापस लिया जाए और जितने हक और हकूक है हमारे रियासत के, हमारी जो रियासत के हक हमसे छीने गए हैं उनको वापस लेने का काम जो है हम सड़कों पर उतर के करेंगे। यही हमारा आज का जो मुद्दा है उस पर प्रोटेस्ट।